हरियाणा के रोहतक जिले में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर आज करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या इस दौरान काफी कम दिखी है। आपको बता दें कि बीते दिनों रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री का जमकर विरोध किया था। हालांकि मुख्यमंत्री रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के पिता की शोक सभा में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने मुख्यमंत्री का जमकर विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कुछ किसानों को चोटें भी आई थी। जहां प्रदेश भर के किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं अब राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर जोर शोर से उठाने में लग गए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ व किसानों की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। लेकिन हम ज्ञापन सौंपा गया सिर्फ किसानों के उसमें लेके सौंपा गया है। आज किसानों को 4 महीने से ऊपर हो गए हैं बैठे हुए, उनके ऊपर किसी को कोई तरस नहीं है, रैलियों से फुर्सत नहीं है उनको। लेकिन अरे जब किसान ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? सिर्फ किसानों को लेके ही जो उनके साथ अत्याचार है उसके खिलाफ हम खड़े हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। आपका नाम? नाल के समस्त वरिष्ठ नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक जिला स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में आज ही के दिन जिला स्तर पर आज राज्यपाल के नाम पर, माननीय राज्यपाल जी के नाम पर ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। जो ये अभी एक बर्बरता से भरी हुई घटना जो रोहतक में अभी घटित हुई है, ये उसके खिलाफ है कि जो किसान आज शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आज इस सरकार को यहाँ तक ये गवारा नहीं है कि एक इंसान अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपना संदेश भी पहुँचाना चाहता है तो ये सरकार उसकी आवाज़ दबाने का काम कर रही है। तो आज हमने सभी ने मिल करके एकजुटता के साथ माननीय राज्यपाल जी के नाम पर बहन कुमारी शैलजा जी के आदेशानुसार हमने ज्ञापन आज सौंपा है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। फिलहाल चल रहा है वो अपनी मांगों के लिए जायज बैठे हैं किसान, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये जो किसान अपना धरना कर रहे हैं जायज मांगों के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में सुख में हर तरह से। और बीजेपी सरकार को, जेजेपी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि या तो आप इन किसानों के जो हक हैं उनको दे दो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी हर स्टेप पे उनके साथ खड़ी है, तन से मन से धन से। और इवन के यदि ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम हर प्रकार से, चाहे वो लीगली प्रोसेस हो या हमारे साथी जो शीर्ष नेता जो बैठे हैं जो हमें जिसे भी निर्देश देंगे, मैं तो हरियाणा प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ लीगल सलाहकार, जो मुझे आदेश मिलेंगे तो इस चांदराम चौहान एडवोकेट। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।